गुड मॉर्निंग बच्चों, आई प्रेजेंट हियर इन फ्रंट ऑफ यू विथ न्यू वीडियोस इन विच यू विल स्टडी द रिमेन नाउंस विच आर कलेक्टिव नाउंस, मटेरियल नाउंस, एवेस्टिक नाउंस। बिफोर टाइम यू हैव रीड अबाउट कॉमन नाउंस, प्रॉपर नाउंस। लेकिन बच्चों, आज नाउन को शुरू करने से पहले मैं आपको पुनः कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको अगेन रिमाइंडर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। The naming words are called nouns. It means जितने भी naming words होते हैं वो सारे नाम होते हैं, चाहे वो प्राणी का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, या किसी place का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो। जितने भी हम आसपास के लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, और उसका जब हम नाम लेते हैं तो वो सभी नेमिंग वर्ड कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउंस। आज हम इसके बारे में समझेंगे। अ नाउन द सोर्स कलेक्शन इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउंस। इट मींस कलेक्शन मींस संगठित, समूह, किसी व्यक्ति का हो या जानवर का हो या किसी वस्तु का हो, यदि वो संगठित में है, समूह में है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, पुलिस, आर्मी, टीम, बंडल, कैटल एटसेट्रा। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अ बकेट ऑफ रोजेस, अ बंच ऑफ बनानास, फ्लावर्स। जब फ्लावर्स या बनानास के गुच्छे होते हैं उनको हम बंच बोलते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के समूह को बंडल कहा जाता है। अ गैंग ऑफ डकैट्स, जो डकैट्स होते हैं उनके समूह को गैंग बोला जाता है। अ हर्ड ऑफ गॉड्स, अ ज्यूरी ऑफ जजेस, जजेस के समूह को ज्यूरी बोलते हैं। अ बेबी ऑफ गर्ल्स वुमेन्स, जो गर्ल्स वुमेन्स होती हैं उनको हम बेबी बोलते हैं। अ बेबी ऑफ गर्ल्स वुमेन्स। यूजेस ऑफ कलेक्टिव नाउंस, हम कलेक्टिव नाउंस को किस तरह से यूज करते हैं उसे आप देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर। फर्नीचर के नीचे अंडरलाइन देखिए बच्चों, फर्नीचर क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है। आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर, मैं सम फर्नीचर खरीदने के लिए जा रहा हूँ। फर्नीचर यानी कि मेज, कुर्सी, टेबल, सोफा सेट, इन सब का कलेक्शन। यदि आप एक कुर्सी के लिए बोलेंगे, एक चेयर के लिए कहेंगे या टेबल के लिए देखेंगे तो वो सो फर्नीचर नहीं कहलाएगा, जब तक कि उनका कलेक्शन ना हो, जब तक वो एक साथ समूह में ना रखे गए हों। नेक्स्ट है, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू सिनेमा। इट मीन्स जो गर्ल्स हैं उनका जो समूह है, जो कई सारी गर्ल्स एक साथ मिलकर कहाँ जा रही हैं? सिनेमा जा रही हैं, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू सिनेमा। नेक्स्ट है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल है यानी जानवरों का समूह है, कैटल मीन्स होते हैं जानवरों के झुंड को कैटल बोला जाता है। जब कई सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कैटल बोलते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जानवरों का जो झुंड है वो फील्ड में चर रहा है। गिव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स का गुच्छा दो। नेक्स्ट है आपका, एवेस्टिक नाउन। एन एवेस्टिक नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। एवेस्टिक नाउन वो नाउन होते हैं बेटे जिनको हम ना ही हम उसको देख सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, इसे हम ओनली महसूस कर सकते हैं, वही एवेस्टिक नाउन होता है, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ऑनेस्टी, विजडम, चाइल्डहुड।
फॉर्मेशन ऑफ एवेस्टिक नाउन। आप एवेस्टिक नाउन को कैसे चेंज कर सकते हैं? ब्रेव ब्रेवरी, लॉन्ग लेंथ, नो नॉलेज, चूज च्वाइस, जज जजमेंट। ब्रेव वर्ड है, ब्रेव से क्या हो गया, ब्रेवरी यानी बहादुर बहादुरी। बहादुर बच्चे को तो देख सकते हैं लेकिन उसकी बहादुरी को आप मॉलिम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लॉन्ग लंबा, लेंथ लंबाई। नो मीन्स जानना, नॉलेज मीन्स ज्ञान। चूज चुनना, च्वाइस पसंद, जज जजमेंट। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अ नेम गिवन टू अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं बच्चों जिससे एक से हम दूसरे सामान का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मिल्क, पेपर्स, आयरन, सुगर। मिल्क से बच्चों हम दही बनाते हैं, दही से हम लस्सी बना देते हैं, मिल्क से हम घी भी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो ये मिल्क हमारा मटेरियल नाउन हो गया। पेपर है, पेपर से हम बुक्स तैयार कर देते हैं, नोटबुक्स तैयार करते हैं। आयरन, आयरन से फर्नीचर तैयार हो जाता है, आयरन से गेट होते हैं, अलमीरा होती है, विंडोज़ बनते हैं। शुगर चीनी, चीनी से हम बहुत सारी मिठाइयाँ बना लेते हैं। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो में जाना कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एवेस्टिक नाउन को। उम्मीद है आप बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।